बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग से जुड़ी जानकारियां दी हैं। मंत्री नीरज कुमार ने बताया है कि पूर्व में हुए कार्य ग्रामीण वार्ड में निर्मित जलापूर्ति योजना को देखरेख लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग करेगा, जिसको लेकर कैबिनेट ने राशि भी दे दी है और इस जल नल योजना में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, इसे भी विभाग अब देखेगा। विभाग ने जितने भी टेंडर को रद्द किया था, गड़बड़ी के मामले की जांच कर उन टेंडर को फिर से निकाला जा रहा है। मंत्री नीरज कुमार ने बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जाहिर कर कहा है कि घुसपैठ को रोकना प्राथमिकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की घटना पर उन्होंने कहा है कि घटना दुनिया के लिए चिंता का विषय है। देखिए, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ होते रहता है पूरे देश में, खास करके बिहार में, बंगाल में, ये तो हमेशा चलते रहता है। इस पर विशेष नजर रखने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से क्या क्या कुकांड हो रहा है, तो ये पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि पूरे दुनिया में जो लोग हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि किस तरह से उपद्रवी कैसे लोगों को परेशान करते हैं। एक प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ता है, ये काफी दुखद और चिंता का विषय है। पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है और हिंदुस्तान इस पर लगातार काम करते रहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी इन चीजों को लेकर के दुनिया भर में अपना बात रखते रहते हैं। आज उनको शरण हम ही लोग दिए हैं, आज हिंदुस्तान में आकर के उनको शरण मिला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, तो हम समझते हैं दुनिया के लिए एक बड़ा नजीर साबित होगा। देखिए, बिहार के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है और बिहार में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया, कई हमारे मंत्री ने भी मीटिंग किया है और पूरे प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि कहीं कोई घुसपैठ ना करे। और खास करके हम बिहार से ज्यादा बंगाल की हम लोग चिंता करते हैं कि बंगाल में ज्यादा घुसपैठी घुसते रहते हैं, तो वहां भी ना घुसे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ होते रहता है पूरे देश में, खास करके बिहार में, बंगाल में, ये तो हमेशा चलते रहता है। इस पर विशेष नजर रखने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से क्या क्या कुकांड हो रहा है, तो ये पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि पूरे दुनिया में जो लोग हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि किस तरह से उपद्रवी कैसे लोगों को परेशान करते हैं। एक प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ता है, ये काफी दुखद और चिंता का विषय है। पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है और हिंदुस्तान इस पर लगातार काम करते रहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी इन चीजों को लेकर के दुनिया भर में अपना बात रखते रहते हैं। आज उनको शरण हम ही लोग दिए हैं, आज हिंदुस्तान में आकर के उनको शरण मिला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, तो हम समझते हैं दुनिया के लिए एक बड़ा नजीर साबित होगा। देखिए, बिहार के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है और बिहार में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया, कई हमारे मंत्री ने भी मीटिंग किया है और पूरे प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि कहीं कोई घुसपैठ ना करे। और खास करके हम बिहार से ज्यादा बंगाल की हम लोग चिंता करते हैं कि बंगाल में ज्यादा घुसपैठी घुसते रहते।